What are the ways to make money from share market? ऐसे कौन से तरीके हैं? So as I said, there is two ways to making money. One is short term, one is long term. Short term means that is a trading. अगर आप trading करते हैं, that is a short term goal. And the second one is that is a long term goal. Long term goal मतलब क्या हुआ? What are the ways to make money from share market? ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके कारण आप शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हैं? वो दो तरीके हैं, मैं ये आंसर दे रहा हूँ आपको, ऐसे दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप पैसा बना सकते हैं शेयर मार्केट से. वो दोनों तरीका इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ. इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और सुने और समझें. अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए. तो दोस्तों, मैं राज आप सभी को स्वागत करता हूँ इस वीडियो में. तो सबसे पहले समझते हैं वो दो तरीके में से. पहला तरीका है ट्रेडिंग और दूसरा तरीका है आपका इन्वेस्टमेंट. और दोनों को मैं डिटेल में आप लोगों को क्लेरिफाई करने वाला हूँ कि ट्रेडिंग का मतलब क्या है और इसके अंदर हम कैसे प्रोसेस में काम करते हैं और इन्वेस्टमेंट के अंदर कैसे प्रोसेस में हम चलते हैं जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करके भी शेयर मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं, पॉसिबल है. सो एज आई सेड, देयर इज टू वेज टू मेकिंग मनी. वन इज शॉर्ट टर्म, वन इज लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म मीन्स that is a trading. अगर आप trading करते हैं, that is a short term goal. And the second one is that is a long term goal. Long term goal मतलब क्या हुआ? इसके अंदर अगर हम investment करते हैं, that is a long term goal. It's count under the long term. तो दोनों का clarification आप लोगों को मिल गया. अब इसको थोड़ा सा और विस्तार में समझते हैं. Trading का मतलब क्या क्या categories के अंदर आप trading कर सकते हैं. सबसे पहले इक्विटी के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं. इक्विटी के अंदर आप मल्टीपल ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं ट्रेडिंग करने के लिए. आप डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं. डे टू डे ट्रेडिंग मतलब आप इंट्राडे भी कर सकते हैं या तो आप इंट्राडे नहीं भी करना चाहते, नॉर्मल ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. दोनों पॉसिबल है. अब इंट्राडे को थोड़ा सा समझाता हूँ अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे. इंट्राडे मतलब आप सुबह 9:15 को आपका मार्केट ओपन हो जाता है और शाम को 3:15 या 3:20 तक या 3:30 तक मार्केट क्लोज हो जाता है. डिपेंड करते हैं मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है. आप ट्रेडिंग कर पा रहे नहीं कर रहे, बट एज यूजुअली आप मान के चलो 3:15 तक. तो उसके अंदर अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको मैक्सिमम लीवरेज मिलता है. मतलब फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, अगर आपने सपोज 1,000 रुपया ट्रेडिंग के लिए आपने इन्वेस्ट किया तो आपको लीवरेज मान के चलो आपको 4 times ज़्यादा मिल गया या 5 times ज़्यादा मिल गया एज यूजुअली. तो आपको 5,000 तक, 1,000 लगाया आपने और 5,000 तक आपके पास कैपेसिटी है कि खरीदने और बेचने का. बट इसका कंडीशन ये है कि आप 3:30 या 3:15 तक ही कर सकते हैं. उसके बाद अगर आपने नहीं किया तो ऑटोमेटिक वो ब्रोकरेज जिस कंपनी से आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया वो कंपनी आपका सारे शेयर बेच देंगे. बेच के आपका जो भी पैसा बनता है, प्रॉफिट हो या नुकसान हो, आपको सीधा कट ऑफ करके आपके अकाउंट पर डाल देंगे, मतलब आपके वॉलेट में शिफ्ट कर देंगे. तो ये होता है आपका इंट्राडे का प्रोसेस. इंट्राडे प्रोसेस बहुत मज़ेदार है अगर आपके पास नॉलेज है. अगर नॉलेज नहीं है तो इस पर बिल्कुल हाथ ना लगाएं, क्योंकि बिना नॉलेज का कोई भी चीज़ें हम करें तो नुकसान ही होने का चांसेस है. कभी कभार अगर एक दिन प्रॉफिट गलती से हो भी जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कल भी प्रॉफिट होने वाला है. कल नुकसान भी हो सकता है और आज का प्रॉफिट भी सब आप गवा सकते हैं. तो इंट्राडे का मतलब थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कैसे काम करते हैं इंट्राडे. आपको पास डे लिमिट रहता है, डे के अंदर ही खरीदना है या बेचना है. दैट इज कॉल्ड अबाउट इंट्राडे. अब समझते हैं कि इंट्राडे के अलावा जो हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग के अंदर आप कुछ भी चीज़ें आज सपोज खरीद रहे हैं तो उसके अंदर आप अगर 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन रखते हैं, हफ्ते पर रखते हैं या इससे ज़्यादा भी रखते हैं तो आप रख सकते हैं. आराम से रखिए उसको, आपको लगा कि प्रॉफिटेबल हो रहा है तो आप बेच सकते हैं. जब तक आप रखना चाहें रख सकते हैं. तो ये आपका आ जाता है ट्रेडिंग के अंदर. अब समझते हैं हम इन्वेस्टमेंट का पार्ट. इन्वेस्टमेंट के पार्ट में क्या होता है? एज यूजुअली आप ट्रेडिंग नहीं करते, इंट्राडे नहीं करते. इन्वेस्टमेंट में आप सीधा पैसा लगाते हैं उन्हीं कंपनीज पे जो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म पे सक्सेसफुल होगा और आपको प्रॉफिट देके जाएगा. वो कंपनी बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं और उसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उसकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, आपने सारे चीज़ देख लिया, अच्छे से समझ गए, आपने उस कंपनी पे पैसा लगा दिया. आप लॉन्ग टर्म पे आपको वो कंपनी प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है वो सिचुएशन बताएगा. बट इन्वेस्टमेंट मतलब आपने पैसा लगाया, आपने 6 महीना रख दिया, 1 साल रख दिया, आप क्या कर रहे हैं 2-4 दिन में, हफ्ते भर में या रोज का सेल आउट नहीं कर रहे, बाय एंड सेल नहीं कर रहे. डेट इज़ कॉल्ड अबाउट इन्वेस्टमेंट. आपने लॉन्ग टर्म 6 महीना, 1 साल या उससे ज़्यादा, 2 साल, 10 साल रख दिया तो आपका हो गया इन्वेस्टमेंट पार्ट. तो दो तरीका होता है पैसा कमाने का. दोनों तरीका मैंने आपको कोशिश किया एक्सप्लेन करने का. अब समझते हैं
कि हमें किस से कौन सा कंपनी में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसका थोड़ा सा मैं क्लेरिफिकेशन आप लोगों को देना चाहूँगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कौन सी कंपनी ढूंढना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे आप बिस्किट खा रहे हैं, कौन सा बिस्किट बढ़िया खाते हैं, कौन सा बिस्किट आपको बढ़िया पसंद आता है, तो वो बिस्किट आप बार बार खरीद रहे हैं, तो आप बिस्किट खाते वक्त आप देखिए कि क्या वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टिंग है, और आप बार बार खरीद रहे हैं, तो आप बार बार खरीद रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, इसका मतलब और भी लोगों को पसंद आ सकता है, और भी लोग बार बार कंजप्शन कर रहे हैं उस बिस्किट को, इसका मतलब वो कंपनी ग्रो कर रहा है, चांसेस है ग्रो कर रहा है। अब उसकी रिसर्चमेंट करें, आप समझें और देखें कि वो कंपनी अगर शेयर मार्केट में लिस्टिंग है तो उस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। सिंपल, अगर ब्रिटानिया बिस्किट खा रहे हैं तो ब्रिटानिया का अगर आपके प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, बार बार खा रहे हैं, तो उस कंपनी का अगर कंपनी लिस्टिंग है, ऑब्वियसली ब्रिटानिया ऑलरेडी लिस्टिंग है, तो उस कंपनी में लगा सकते हैं। प्राइस शेयर क्या है, शेयर प्राइस क्या है, वो सारी चीज़ आप चेक करें, चेक करके समझें और उसके बाद लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे कोई सामान जो घर पर आप यूज़ कर रहे हैं, कपड़ा हो सकता है, खाने का सामान हो सकता है, पहनने का सामान हो सकता है, घर पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं, या कुछ भी चीज़ें, ऐसी चीज़ें, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के दौरान फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं वो कंपनी चेक कर सकते हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं वो कंपनी चेक कर सकते हैं, अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो IRCTC है उसको चेक कर सकते हैं। ऐसी कुछ भी चीज़ें, उठते बैठते खाते जगते सोते जो भी चीज़ें आप कंजप्शन कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे देख सकते हैं। अगर जो चीज़ें आप बार बार कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में जानिए समझिए, अगर वो शेयर मार्केट में लिस्टिंग है तो उसी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट इज़ टोटली ऑल अबाउट बिजनेस, तो बिजनेस आपके इर्द गिर्द चल रहा है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपके इर्द गिर्द खरीदना बेचना हो रहा है, ऑलरेडी आप कंजप्शन कर रहे हैं जाने अनजाने में। आपको थोड़ा सा उसका आँख खोल के रखना है, दिमाग खोल के रखना है, थोड़ा सा नॉलेज रखना है, रिसर्चमेंट करना है, बस काफ़ी है। दैट इज़ ऑल अबाउट शेयर मार्केट, समझना है, इन्वेस्ट करना है, दैट्स इट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से थोड़ा सा वैल्यू मिला होगा। अगर वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने वाले टाइम पे और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम शेयर मार्केट के ऊपर बनाने वाले हैं। और अगर आपको पूरा डिटेल में और भी बेसिक से लेकर एडवांस तक अगर नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, शेयर मार्केट के अंदर घुसना चाहते हैं या ऑलरेडी घुस चुके हैं और ग्रो करना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस अगर सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ, उन प्लेलिस्ट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ज़रूर चेकआउट करिए। तो मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में, तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।